हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो गाइस, इस वीडियो में आप जो स्क्रीन देख रहे हो ये ना ही किसी लैपटॉप का है और ना ही किसी डेस्कटॉप का है, ये मेरे मोबाइल का ही स्क्रीन है। फिर मैंने XFCE4 को टर्मक्स के जरिए मोबाइल पे इंस्टॉल किया है। XFCE4 लिनक्स का एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है जिसको बहुत आसानी से टर्मक्स पर इंस्टॉल किया जा सकता है। हमें इसके अंदर एक टर्मिनल भी मिलता है, तो इसको हम टर्मक्स का एक GUI वर्जन भी मान सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम XFCE4 को एंड्रॉयड पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर को ओपन करके आपको सर्च करना है VNC Viewer। तो VNC Viewer सर्च करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप भी इसको इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद हम ओपन करेंगे टर्मक्स को। टर्मक्स को ओपन करके आप कमांड डालिए PKG update और PKG upgrade, और ये दोनों कमांड डालने के बाद आपको टर्मक्स पे और एक कमांड मिल जाएगा जो कि है PKG install X11 repo। आप इस कमांड को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप इस कमांड को टर्मक्स पे रन कर दीजिए। और इसके बाद हमें टर्मक्स के अंदर भी एक VNC की ज़रूरत होगा, तो इसके लिए हम टाइगर VNC को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम कमांड डालेंगे PKG install tiger VNC। और इसके बाद हमें किसी भी एक एडिटर का ज़रूरत होगा, तो इसके लिए मैं कमांड डालूँगा PKG install vim। मैं VI एडिटर को इंस्टॉल कर, क्योंकि मुझे VI एडिटर ज़्यादा अच्छा लगता है। आप किसी और एडिटर को भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप नैनो को भी इंस्टॉल कर सकते हो। और इसके बाद जो GUI वर्जन हम क्रिएट करने वाले हैं उसके अंदर हमें एक टर्मिनल भी ज़रूरत होगा, तो इसके लिए हम एटर्म को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए कमांड डालेंगे PKG install एटर्म। और इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे XFCE4 को, इसलिए कमांड डालेंगे PKG install XFCE4।
बाद ये जो प्लस वाला आइकन है इसको आपको इस पर आपको टैप करना है। करने के बाद जो एड्रेस हमने कॉपी किया था इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप चाहे तो किसी भी नाम भी यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद हम डन पे टैप करेंगे और इसके बाद फिर से कनेक्ट पे टैप करेंगे। यहाँ पे ओके पे टैप करेंगे तो यहाँ पे हमको फिर से वो पासवर्ड देना होगा जो हमने बीएनसी सर्वर पे दिया था। करेंगे एंटर तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, सिर्फ एक टर्मिनल मिल चुका है। तो अभी हम इसको क्लोज कर देंगे और इसको क्लोज करके हम फिर से चलेंगे टर्मक्स पे। टर्मक्स पे जाने के बाद हम अभी इस कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो इसके लिए कमांड डालेंगे बीएनसी सर्वर -kill किल और इसका एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर से करेंगे एंटर तो अभी हमारा जो कनेक्शन है वो क्लोज हो चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी को चेंज करेंगे cd.bnc पे। ओके, इससे पहले हम करेंगे ls -a। तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी मिलेगा जो कि है .bnc। तो हम डायरेक्टरी को चेंज करेंगे .bnc पे। इसके बाद हम करेंगे ls। तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगा जिसका नाम है x startup। तो अभी हम इस फाइल को ओपन करेंगे vi एडिटर से। तो इसके लिए कमांड डालेंगे vi और x startup, करेंगे एंटर और इस फाइल को ओपन करने के बाद हमको नीचे जाना है और इसके बाद हमको टाइप करना है xfce4-session। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देना है और इस तरह से आप इसको सेव कर देना है। और फिर से हम बीएनसी सर्वर को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कमांड डालेंगे बीएनसी सर्वर, करेंगे एंटर। तो फिर से हमारे बीएनसी सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो फिर से हम बीएनसी व्यूअर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा डेस्कटॉप मोड ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है कि ये हमारे स्क्रीन के साइज़ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो हम इसको फिर से क्लोज करेंगे और फिर से चलेंगे टर्म और इसको हमारे स्क्रीन के साइज़ से एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम इस कनेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। तो अभी गाइस यहाँ पे हम कमांड डालेंगे bnc server -geometry और इसके बाद हम इसका साइज दे देंगे 1508। इसके बाद करेंगे एंटर। तो फिर से हम अपनी बीएनसी व्यूअर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डेस्कटॉप मोड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो चुका है और हमारे मोबाइल के स्क्रीन के साइज़ पे ये एडजस्ट भी हो चुका है। तो आपको यहाँ पे एक टर्मिनल भी मिलेगा, यहाँ पे आप कमांड भी डाल सकते हो। पहले आपको यहाँ से टर्मिनल को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे टर्म को सिलेक्ट करना चाहता हूँ और इसके बाद ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे हमें एक टर्मिनल भी मिल जाएगा और इसके बाद आप इस पर थीम्स आइकॉन्स वगैरह इंस्टॉल करके इसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।